हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के न्यू ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज जानते हैं आज कितनी तारीख है? आज शायद 18 तारीख है। अभी स्कूल से देवांशी आने वाली है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:30, 12:15 होने वाले हैं। 11:30 तक उसके पापा लेते आएंगे। मैं तैयार हुई थी कि मुझे जाना था लेने के लिए, मगर उसके पापा वहाँ से लौट जहाँ गए थे वहाँ से लौट के आ गए, तो वो कह रहे कि मैं लेते आऊँ, तो वो लेते आएंगे। आज हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था इडली चटनी, सांभर नहीं बनाई थी क्योंकि सांभर बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि देवांशी को लंच देना रहता है, तो उसको सुबह जल्दी जल्दी तैयार करो, उठाओ, नहला धुला के तैयार करके उसको खिला के फिर लंच पैक करके दे देते, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो स्कूल में सबके हाथ से नहीं खाती है, तो उसको इसलिए घर से मैं अच्छे से खिला के भेजती हूँ कि वहाँ नहीं भी खाएगी तो अभी 12 बजे तक उसका चल जाएगा। कल मगर वैसे अपना लंच फिनिश करके आई थी, कल की उसकी मैम उसको पसंद आ गई कि क्या उन्होंने खिलाया था, उनके हाथ से खा ली, नहीं तो वो हर किसी के हाथ से खाती नहीं है जल्दी, किसी को जल्दी बोलेगी भी नहीं। तो अभी मैं बैठी थी, क्या करूँ, अभी आने वाली है तो उसके लिए बन रहा है इडली, उसके लिए बना रही हूँ दोबारा से, क्योंकि उसको दोबारा इडली ही मिलेगी दोपहर में। इडली बनानी है, चावल रखा हुआ है, चावल फ्राई करना है। दोपहर का हम लोगों में खाना कुछ बनाएंगे नहीं, यही सब हो जाएगा, क्योंकि इडली का जो पेस्ट था वो बच गया है, काफ़ी सारा बच गया था, तो दोपहर में भी आराम से सबको हो जाएगा, तीन जने हैं ही, तीनों को आराम से हो जाएगा। चावल बचा हुआ है तो चावल फ्राई कर देंगे, और वैसा कुछ बनाने का कुछ मन है भी नहीं कि क्या खाएंगे, क्योंकि इडली खाने के बाद ऐसा होता है ना, मन भारी हो जाता है, पता नहीं पेट भरेगा नहीं भरेगा, ऐसा लगेगा कि कितना खा लिया है, तो नींद आती रहती है, तो इसलिए कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए अभी देवांशी को आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। छोटी वाली अभी सो रही है, वो सो रही है तो अभी मुझे कपड़े धोने हैं, कपड़े मेरे रखे हुए हैं बहुत सारे हो गए, तो एक काम करती हूँ उसको डाल देती हूँ आज मशीन में, क्योंकि 2 दिन से मशीन नहीं चली है, अगर नहीं मशीन चलाऊँगी तो किसी दिन चूहा घुस के आ जाएगा ना। एक बार पता है क्या हुआ था, मैंने महीने दिन मशीन नहीं चालू की थी, और उसी के पास ही गेहूं का बोरा रख दिया, अब डेली उसके अंदर गेहूं का बोरा रख दिया, डेली सोचते थे कि गेहूं यहाँ से हटाना है, मगर जानते हैं ना, हटाने के चक्कर में भूल जाते थे कि क्या, आलस भी कर गए और वहीं छोड़ दिया। अब मशीन का पूरा एक एक तार चूहे ने खा के ख़त्म कर दिया था, वो तो अच्छा था, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया, क्योंकि जो मिस्त्री थे उनको उतनी नॉलेज थी, तो उन्होंने उस तार को वहीं के वहीं जोड़ दिया, नहीं तो हम लोगों की नई मशीन ख़राब हो जाती। इसलिए अभी उन्होंने जो मिस्त्री आए थे तो उन्होंने बोला कि इसको एक दिन गैप करके आप चलाइए, नहीं चलाइएगा बंद रखिएगा, तो ये बंद भी मशीनें ख़राब हो जाती है। अभी तो चलिए आपका चूहे ने खा के ख़राब किया, नहीं तो ये ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाती है अपने आप ही बंद, तो इसलिए उसको चलाना है। 2 दिन से नहीं चलाई मशीन, थोड़े से कपड़े हो रहे थे, तो वही होता है ना कि थोड़े से कपड़े हैं तो नहाने गए तो धो के निकाल दिए, अब क्या मशीन चलाओ, बिजली बिल भी उठता है इसलिए नहीं चलाती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो, तब मेरे अब ये गुस्सा करने लगे, कह रहे कि नहीं मशीन चलाती है, ख़राब कर दी, अब नहीं ठीक कराऊंगा ये। मैंने कहा ठीक है चलो चला लेते हैं, अभी जा कर के कपड़े डालती हूँ उसके अंदर, कपड़े धुलेंगे, एक घंटा बहुत समय ले लेता है, तो 1 घंटा उसमें कपड़े धुलेंगे, फिर उसको फैलाने जाना है। तो चलिए अभी यही सब काम करते हैं, बर्तन भी रखे हैं, अभी बर्तन भी धोने हैं, बाकी सब काम हो गया। छोटी वाली को नहला दिया, तैयार कर दिया, वो सो गई है, अब मेरा जो ये ऊपर के काम है ये सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद देवांशी आएगी तो उसको चेंज कराना है, पैर हाथ धुला करके खाना खिलाना है, खाना खा के वो थोड़ी देर फ़ोन चलाएगी, फ़ोन चलाने के बाद फिर वो सोएगी, उसको मतलब सुला देंगे 2 बजे तक, क्योंकि थक जाती है बहुत ज़्यादा, अब स्कूल जाने लगी। घर में था पहले तो इतना नहीं था, आराम कराते थे, कूदती रहती, वहाँ तो इतना कूदती है। मैडम भी फर्स्ट दिन गई तो मैडम कह रही कि बाप रे आपकी बेटी कितनी वो है, मतलब बदमाश है, मेरे को तो एक पैर पर नचा दी जब से आई है सुबह से, इधर भाग उधर भाग उधर भाग, बैठने नहीं दिए बिल्कुल भी, थका दी आपकी बेटी। मैंने कहा घर में भी ऐसी करती थी इसलिए तो आपके पास भेजी है इसको। तो और कह रही कि चलिए कोई नहीं बच्चा है, तो चलिए अभी मिलती हूँ, बर्थ काम अपना जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए।
पढ़ाई चल ही रहा था 12 बजे लेते हैं रिकॉर्डिंग बाबू क्या कर रहा है आपका उधर है स्कूल से आ गया बाबू भी आप भी आ गए स्कूल से मम्मी को बुला रही थी हाँ। तो मम्मी आई थी कि नहीं मम्मी भी नहीं थी और दीदी भी नहीं थी दीदी तो थी ना आपको लंच किसने कराया था दीदी लंच कराई थी अभी क्या खा रही हो मैगी है खा लो नो ऐसे कौन करता है अच्छे से खाओ अपने बेबी को खिला दो ए छी ऐसे नहीं करो गंदी बात खा रहा है आपका बेबी मैगी भी खाता है मैं अब आप खाओगी ऐसे खाते हैं तो चम्मच किस ले लाई हो क्या हुआ